बिजनेस स्टार्ट करें, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। बिना पैसे बिजनेस स्टार्ट करना है तो समय देना पड़ेगा, और मैं यहाँ 1-2 घंटे या 3-4 घंटे डेली की बात नहीं कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं 10-12 घंटे डेली, और आप भूल जाइए वीकेंड, संडे, सैटरडे, सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि अगर बिजनेस करना है और उसको सक्सेस करना है तो हमें सीरियस होना पड़ेगा। इस पूरे प्रोसेस को मैंने 4 स्टेप में डिवाइड किया है। पहला स्टेप, डिसाइड बिजनेस। दूसरा स्टेप, लर्न बिजनेस। तीसरा स्टेप, टेस्ट। चौथा स्टेप, लॉन्च। अब हम बात करेंगे पहले स्टेप, डिसाइड बिजनेस की। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। क्या आपका इंटरेस्ट है, या क्या डिमांड है, सप्लाई पे आप काम करना चाहते हैं, किस चीज़ पे आप काम करना चाहते हैं। हर आदमी ने कुछ सोचा होगा कि मैं कपड़े का बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं मेडिकल स्टोर खोलना चाहता हूँ, मैं मोबाइल का काम करना चाहता हूँ, मैं रियल इस्टेट में जाना चाहता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ, कुछ भी। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। अब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं, जो कि है लर्न बिजनेस, यानी बिजनेस सीखना। अगर आपने पहले से बिजनेस सीखा हुआ है या आपके फैमिली बिजनेस में ये चल रहा है, तब तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं तो हमें बिजनेस सीखना पड़ेगा। अब चूंकि हम ये बात कर रहे हैं कि बिना पैसे हमें बिजनेस करना है, और आज की डेट में आपको अगर बिजनेस सीखना है या कोई भी स्किल सीखना है तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब उसको बिना पैसे खर्च किए कैसे सीखा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस डिसाइड करने के बाद अब आप ये देखिए कि जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं एक मोबाइल स्टोर खोलना चाहता हूँ, या एक मैं रियल इस्टेट का काम करना चाहता हूँ, या कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता हूँ, या कपड़े का काम करना चाहता हूँ, तो पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि उसकी मार्केट कहाँ है। आपको वो मार्केट देखनी पड़ेगी जहाँ मैक्सिमम दुकानें उस सेक्टर की हो, चाहे वो रियल इस्टेट हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो जो आप देख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं। अब आप वहाँ जाइए, उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे जाइए, उस पर्टिकुलर एरिया में जाइए, ना कि आपके अपने बगल वाली दुकान पे, ना अपने पड़ोसी के यहाँ, या ना जानने वाले के यहाँ। आपको उस मार्केट पे जाना है, क्योंकि आपको डेली ट्रांजेक्शन वहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा सीखने को आपको वहाँ मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए आप एक कंप्यूटर शॉप खोलना चाहते हैं, तो आपको आपके शहर के IT हब में जाना पड़ेगा, जहाँ मैक्सिमम लैपटॉप्स की दुकानें, कंप्यूटर की दुकानें हैं, और आप वहाँ जाइए और बी अ बेकर, भिखारी की तरह काम करना है। क्योंकि हमें आगे बढ़ना है तो अपने आप को मान के चलिए कि हमें जो मिलेगा वो हमारे लिए बेहतर है, तो भिखारी बन जाइए, राजा हम लोग बाद में बनेंगे, पहले भी भिखारी बन के स्टार्ट करते हैं। अब आप वहाँ जाइए, सभी दुकानों पर बातचीत करिए, देखिए कहाँ आपको जो है कोई जगह मिल जाए जहाँ आपको आधी सैलरी या फ्री में काम करने को मौका मिल जाए। आप काम करिए वहाँ पे, सीखिए, आप वहाँ लगिए, 1-2 महीना दीजिए वहाँ पे, पूरा समय आप दीजिए, दुकानदार से दीजिए, बातचीत करिए, समय लगाइए वहाँ बैठ के। आपको दुकानदारी के साथ साथ दिमाग भी खुला रखना है कि कौन सा माल कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हब है, ये माल जो हम इस शहर में मंगाते हैं ये माल कहाँ से आता है, कैसे आता है, किस जगह से आता है, क्या मार्जिन्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, नोट डाउन करनी पड़ेगी। पूरे बिजनेस के पार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बिजनेस सीखना ही है। इसमें अगर आपको समय लग रहा है, 1-2 या 3 महीना आप समय दीजिए, क्योंकि अगर आप ये अच्छे से कर ले गए और आप चीज़ें सीख गए, तब हम अगले स्टेप पर बढ़ सकते हैं, जो कि है टेस्ट फेज। टेस्ट फेज, काम आपने सीख लिया है, आपको बिजनेस का मार्जिन पता है, एंड प्रोडक्ट सस्ता कहाँ से आता है ये भी पता है। अब इन जानकारियों के बाद आप तैयार हैं अपने बिजनेस को टेस्ट करने के लिए। टेस्टिंग के लिए आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग का मतलब है प्रोडक्ट को सस्ता खरीदना और उसमें अपने मार्जिन को जोड़कर आगे सप्लाई कर देना। अब आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग करने के लिए कोई 1 या 2 प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो एंड मार्जिन भी अच्छा हो, उसको सेलेक्ट करें और शहर के छोटे दुकानदारों को सेल करना स्टार्ट करें। ये सेल आप फिजिकली या फ़ोन पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आपको अपना सप्लाई नेटवर्क बढ़ाना है और सप्लाई बढ़ाने से आपका मार्जिन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपका टेस्ट फेज यहाँ ख़त्म होता है, पर ट्रेडिंग आपको आगे भी कंटिन्यू रखना है
अब इसके बाद आप अपना रिटेल आउटलेट, शॉप, ब्रांड या बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं ऑफिशियली। आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका आपको काफ़ी समय से इंतजार था, लॉन्च फेज। लॉन्च फेज में पहले आपको अपने बिजनेस के लिए एक बढ़िया सा ब्रांड नेम चुनना होगा। ब्रांड नेम डिसाइड होने के बाद आप डिसाइड करें एक अच्छी सी लोकेशन। अगर आपका बिजनेस रिटेल या शोरूम से रिलेटेड है तो आप एक परफेक्ट लोकेशन सेलेक्ट करिए जहाँ फुटफॉल ज़्यादा हो, मीन्स ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली मार्केट में सेलेक्ट करिए। ये आपके बिजनेस को एक अच्छा एडवांटेज देगा। अब आप तैयार हैं अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। अब तक जो भी पैसे आपने ट्रेडिंग से कमाए हैं उन्हें इस्तेमाल करके कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स से स्टार्ट करिए जो ज़्यादा सेल होते हैं, और फिर जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आती है प्रोडक्ट्स उस हिसाब से बढ़ाते रहिए। ध्यान रहे, ट्रेडिंग भी इसके साथ कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि ये आपको दो दो इनकम देगा, एक रिटेल और दूसरा ट्रेडिंग का। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।